सत श्री अकाल, तुसी सुन रहे हो न्यूजीलैंड दा नंबर वन पंजाबी रेडियो साडेला रेडियो 87.8 FM। मैं हाँ मनदीप कौर संधु, लेके हाजिर हाँ पंजाब दे नाल संबंधित कुछ खास खबरां। पंजाब सरकार ने कैबिनेट मीटिंग च कई वड्डे फैसले लै ने। इस दौरान पंजाब सरकार ने वख-वख विभागों दियां 2,64,054 असामियां नूं मंजूरी दित्ती है। जिक्रयोग है कि 1 MLA 1 पेंशन दी नोटिफिकेशन नूं भी मंजूरी मिल गई है। इस दे नाल ही घर घर राशन पहुंचाउण दी स्कीम नूं भी मंजूरी दित्ती गई। मुक्तसर जिले च नरमे दी फसल खराब होण ते 41 करोड़ मुआवजे दी मंजूरी मिली है। सरकार बनन तों बाद CM भगवंत मान ने कहा सी कि पंजाब च हुण एक विधायक नूं एक ही पेंशन मिलेगी। हुण तक पहली बार विधायक बनन ते 75,000 पेंशन मिलदी है, दूजी टर्म ते इह जिहड़ी फिर तों वध जांदी है। ते इसे तरह लगातार जेकर कोई तीजी बार विधायक बनदा उसकी टर्मां दे हिसाब नाल पेंशन भी वधदी जांदी है। पर हुण विधायकां चाहे किन्नी बार बन जाण पर उहनां दी पेंशन जिहड़ी एक ही मिलेगी। इस नाल सरकारी खजाने ते वित्ती बोझ पैंदा। इस दा ऐलान जरूर कीता गया सी पर सरकार ने हाल तक लागू नहीं किया सी, पर अज इस नूं मंजूरी दित्ती गई है। साबका पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दियां मुश्किलां वध गईयां ने। कांग्रेस दे पंजाब अते चंडीगढ़ इंचार्ज हरीश चौधरी ने नवजोत सिद्धू दे खिलाफ अनुशासनी कार्रवाई करने लई सोनिया गांधी नूं चिट्ठी लिखी है। हरीश चौधरी ने कहा कि नवजोत सिद्धू तों स्पष्टीकरण मंगिया जाए। सिद्धू ते पार्टी तों वख चलण दे आरोप ने। कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सिद्धू दियां एक्टिविटीज़ तों हरीश चौधरी नूं इक नोट भेजा सी, जिस तों बाद चौधरी ने सोनिया गांधी नूं सिद्धू खिलाफ एक्शन लिखा। पार्टी तो वक्त चलन का जो दोष लगाया गया, पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ने नवजोत सिद्धू के खिलाफ अनुशासनी कार्रवाई करने लिए सोनिया गांधी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि सिद्धू इस वेले पार्टी तो वक्रे चल रहे हैं और इस चिट्ठी तो बाद हाई कमांड सिद्धू खिलाफ कोई ठोस कदम चुक सकती है। हल्का इंचार्ज हरीश चौधरी ने पंजाब के सबका सूबा प्रधान नवजोत सिद्धू खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पत्र लिखने संबंधी जो सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि उन्होंने पार्टी का अंदरूनी मामला है। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब कांग्रेस से लगातार विरोध हो रहा है क्योंकि पार्टी के फैसलों से सवाल उठाते रहने ते पार्टी उन्होंने गतिविधियां ते लगातार जी दोष लगाती रही है। पटियाला हिंसा को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्र गृह मंत्रालय ने एजेंसियों को सूबे पर नज़र रखने के निर्देश दिए ने। एजेंसियों ने हुण तक के घटनाक्रम की पूरी जानकारी गृह मंत्रालय को भेज दी है। हालांकि पटियाला हिंसा को लेकर केंद्र वालों हुण तक कोई दखल नहीं दिता गया, पर खुफिया एजेंसियों मुताबक जल्द ही केंद्र सरकार इस मामले च वड्डा फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार सरहदी सूबे ते इस तों पहलां वापरियां हिंसक घटनावां बारे पहलां ही चिंता प्रगट कर चुकी है। चिंता दा कारण यह भी है कि पंजाब दी पाकिस्तान नाल लगभग 600 किलोमीटर की सरहद है। हर रोज सरहदी जिलों तो ड्रोन ते नशियां दी तस्करियां खबरां आउंदियां रहिंदियां ने। हालांकि केंद्र सरकार वल्लों BSF दा दायरा वधा के 50 किलोमीटर दा कर दिता गया है। कांग्रेस नूं मुड़ सुरजीत करन दी योजना ते पार्टी च शामिल होण दीआं अटकलां नूं लै के पिछले महीने सुर्खियां च रहे प्रशांत किशोर एक बार फिर तो चर्चा विच ने। इस बार उन्होंने धमाका किया। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाने के संकेत दिए ने। सोमवार को किए गए ट्वीट में उन्होंने जनता के विचकार जाने की गल कही है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट कहा कि हुण समा आ गया कि जनता च जाया जाए, इसकी शुरुआत बिहार तो होगी। हालांकि उन्होंने हाल तक स्पष्ट नहीं किया कि पार्टी की शुरुआत कदों करनगे तो उन्होंने पार्टी का नाम की होगा। जेकर ट्वीट पर नजर मारीे तो यह तय है कि पार्टी की शुरुआत बिहार तो होगी। उन्हें बिहार तो नवी जन सुराज मुहिम शुरू करन दा ऐलान कीता है। पटियाला च हुई हिंसक घटना के मुख्य मुलजम हरीश सिंगला नूं पटियाला पुलिस वालों एक बार फिर तो मानयोग अदालत च पेश किया गया। मानयोग अदालत वालों हरीश सिंगला और शंकर भारद्वाज नूं 16 मई तक जुडिशल कस्टडी च भेजन के हुक्म दिए गए हैं। उत्थे गग्गी पंडित नूं अदालत वालों 2 दिन पुलिस रिमांड से भेजा गया। पटियाला के इतिहासिक काली माता मंदिर विखे हुई इस घटना तो बाद पटियाला पुलिस वालों कुल 9 मुलजमान नूं गिरफ्तार किया गया सी। पटियाला तो शिवसेना बाल ठाकरे के प्रधान हरीश सिंगला नूं भी गिरफ्तार करके मानयोग अदालत विच पेश किया गया।
ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 1995 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਲਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜਵਾਲਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇਲਾ ਰੇਡੀਓ 87.8 FM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਓ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਲਿਆਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਗੁਰਨਾਮ ਕੋਰੇ, ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਸ ਬਿਗੇਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਫੇ ਵਿਦ 8200 ਆਈਟਮਸ, ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ੇਸ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ। ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ, 40-50 ਗੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 200 ਤੱਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਟਾਫ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਕਾਲ 03-4-201-130।